छिंदवाड़ा जिले के चौराई अन्नपूर्णा लॉन में भाजपा नेता शैलेंद्र रघुवंशी के द्वारा गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम किया गया, जिसमें वरिष्ठ गुरुजनों का फूलों से एवं शाल श्रीफल देकर स्वागत किया गया। यह कार्यक्रम लगातार शैलेंद्र रघुवंशी द्वारा अन्नपूर्णा लॉन में 2 वर्षों से किया जा रहा है। आज 28 जुलाई को कार्यक्रम में क्षेत्र के वरिष्ठ गुरुजनों, जनप्रतिनिधियों, पत्रकारों एवं क्षेत्रवासियों को शैलेंद्र रघुवंशी द्वारा आमंत्रित किया गया। गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम पूजन अर्चन कर प्रारंभ किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में गुरु वंदना संगीत हुआ, तत्पश्चात शैलेंद्र रघुवंशी एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा फूल वर्षा कर अतिथियों एवं गुरुजनों का सम्मान किया गया। गुरुजनों ने बताया है कि प्रत्येक व्यक्ति के अपने जीवन में अपने गुरु होते हैं, लेकिन जो अपने गुरु एवं इष्ट देव का सम्मान करता है उनका जीवन सफल हो जाता है। गुरु के बताए रास्ते में चलने वाले कभी भी किसी भी कार्य में असफल नहीं होते हैं, इसीलिए गुरुओं का सम्मान किया करें। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शंकर है, आदि शब्दों से इस कार्यक्रम में आए श्रोतागणों को गुरुजनों ने गुरु की महिमा के बारे में बताया। कार्यक्रम में समापन में शैलेंद्र रघुवंशी ने संबोधन में कहा कि मैं सदैव इस कार्यक्रम को लगातार करता रहा हूँ। गुरुजनों का मान सम्मान करते हुए उनका आशीर्वाद भी सदैव मिलता है। इन्हीं शब्दों के साथ स्वल्पोहार भोजन के साथ कार्यक्रम समाप्त हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित वरिष्ठ गुरुजन शैलेंद्र रघुवंशी, लखन वर्मा, नीलू निर्मलकर, नगर पालिका सभापति अनिल पटेल, ऋषि पटेल, आशीष वर्मा, पत्रकार बंधु, जनप्रतिनिधि, क्षेत्रवासी आदि उपस्थित रहे। हमारे भारत भूमि की संस्कृति है गुरु शिष्य परंपरा, और उसी के तहत गुरु पूर्णिमा हमारा विशेष पर्व आता है, जिसके उपलक्ष्य में हम सभी लोग, हमारी पूरी टीम ने मिलकर के यह तय किया कि हम गुरु पूजन कार्यक्रम हमारे पूरे क्षेत्र के जितने भी धर्माचार्य हैं, जो धर्म प्रचार के लिए काम करते हैं, उनको बुला करके उनका अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे, वंदन करेंगे और एक मंच में ला करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। उसी के निमित्त लगातार यह 2रा वर्ष हमारे इस गुरु पूजन कार्यक्रम का है और आज यह कार्यक्रम यहाँ पर आयोजन किया गया, जिसमें पूरे क्षेत्र के जितने भी धर्माचार्य हैं, जो मंदिर में पुजारी हैं, जो भागवत आचार्य हैं, जो अन्य अन्य जगह पर जाकर के धार्मिक कार्यों में रुचि लेते हैं, ऐसे सभी लोगों को बुला करके यहाँ हमने आज उनका स्वागत किया, उनका सम्मान किया और आशीर्वाद प्राप्त किया। मैं धन्यवाद देता हूँ सभी सहयोगियों को, सभी कार्यकर्ताओं को, सभी गुरुजनों को कि आपकी उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। साथ ही सभी प्रिंट मीडिया के सभी हमारे पत्रकार बंधुओं का कि आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित रहे, और मेरी आशा है कि ऐसे कार्यक्रम पूरे क्षेत्र में और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में हम हमारी जो संस्कृति है उसको आगे बढ़ाएं, इसी भाव के साथ में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बीसी न्यूज के लिए चौराई से संवाददाता राजेश उइके की रिपोर्ट। ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर, जो नागपुर का पहला और एकमात्र NABH द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पताल है, देश के पहले 50 अस्पतालों में से NABH द्वारा पुनः प्रमाणित ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल है। गत 25 से अधिक सालों से मध्य भारत का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में यह अस्पताल प्रसिद्ध है। सभी कैशलेस इंश्योरेंस सेवाएं, साथ ही सभी प्रकार की कॉरपोरेट सेवाएं भी उपलब्ध है। इस अस्पताल में महाराष्ट्र शासन की महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत क्रिटिकल सर्जरी का मुफ्त इलाज भी किया जाता है। इसी प्रकार से हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक, ट्रॉमा, बर्न केसेस, कार्डियोलॉजी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज, न्यूरो सर्जरीज, पेडियाट्रिक सर्जरीज, यूरोलॉजी जैसे और भी क्रिटिकल केयर यूनिट है। इसके अलावा यह अस्पताल रेडियोलॉजी, एम्बुलेंस, फार्मेसी, आपातकालीन सेवाएं भी 24/7 प्रदान करता है।